केंद्रीय हाटी समिति सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र के हाटू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बाद भाजपा सरकार के समर्थन में गिरिपार इलाके के 400 गांवों में विशेष अभियान चलाएगी। समिति के अध्यक्ष डॉ. अमित चंद कमल ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय के दर्द को समझा और उनकी दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पहली बार ये जो मुद्दा है जो मैनिफेस्टो में आज़ादी के बाद आया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। पहली बार ये जो मुद्दा है विजन डॉक्यूमेंट में आया है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में है और सरकारी दस्ता के बेस के रूप में भी उन्होंने स्वीकार किया। तो केंद्रीय हाटी समिति का ये स्पष्ट मत है कि हम समर्थन उसको, हमारा वोट उसके लिए होगा जो हमारे मुद्दे को हल करेगा। तो जिसने हमारा मुद्दा हल किया है हम 9 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में उनको प्रभावित करेंगे, 5 में प्रत्यक्ष रूप से सिरमौर में और 4 में अप्रत्यक्ष रूप में सोलन और शिमला में। 400 गांवों में केंद्रीय हाटी समिति को शिमला इकाई जाएगी, केंद्रीय हाटी समिति भी जाएगी। हम जो सरकार ने किया है हम केवल और केवल हाटीगिरी करेंगे, नेतागिरी हमारा मकसद नहीं है। जिस सरकार ने इस मुद्दे को 55 सालों से जो हमारा मुद्दा अकल्पनीय अविश्वसनीय कार्य हुआ है, पहले लोग कई तरह की बातें करते थे, हम जनता के दरबार में हर घर तक हाटी जाएंगे। और जो सरकार ने हमारे पक्ष में काम किया है, क्योंकि हमने कहा था कि हक नहीं तो वोट नहीं, वो सारी बातें अब सेकेंडरी होगी क्योंकि सरकार ने हमारा मुद्दा सुलझाया है।